ऐसी कौन सी बहन थी जिसने अपने ही भाई के साथ में करना चाहा विवाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण MS में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। आधी अधूरी वीडियो देख करके बंद ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। ऐसी कौन सी बहन थी जिसने अपने ही भाई के साथ में करना चाहा था विवाह। तो हम आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान मग्न होकर के सुने और हो सके तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक समय का जिक्र था, इधर देवताओं के जो गुरु थे उनका नाम था बृहस्पति, और जो दैत्यों के यानी राक्षसों के गुरु थे जिनका नाम था शुक्राचार्य। लेकिन देवताओं में और राक्षसों में जब युद्ध हुआ करता था तो कभी देवता जीत जाते थे तो कभी देवताओं को भी हार का सामना करना पड़ता था, और कभी दैत्य जीत जाते थे तो दैत्यों को भी हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी के पास में एक संजीवनी विद्या थी जिसके द्वारा उनके जितने भी दैत्य शिष्य युद्ध करते समय मर जाते थे तो शुक्राचार्य अपने शिष्यों को यानी दैत्यों को वो जीवनी विद्या से जीवित कर लिया करते थे। लेकिन इसी विद्या के कारण देवताओं को बार बार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, जो देवताओं के गुरु थे जिनका नाम था बृहस्पति, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कच्छ। जिस समय कच्छ से आना हुआ है तो सभी देवता एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं, क्या करें, जितने भी हम राक्षस मारते हैं और शुक्राचार्य उन्हें जीवनी विद्या से जीवित कर लेते हैं, अब इन राक्षसों से हमारी कोई पेश नहीं जाएगी, अब क्या होगा। तो उसी समय जो गुरु बृहस्पति थे उनका पुत्र था कच्छ, कच्छ कहने लगा है कि पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं शुक्राचार्य जी से जो जीवनी विद्या वो जानते हैं मैं उस विद्या को सीखाऊं। तो सभी देवताओं के कार्य के लिए सभी देवताओं की सम्मति से इधर कच्छ जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य उनके पास में जीवनी विद्या सीखने के लिए गए हैं। जैसे ही जीवनी विद्या सीखते हैं वहाँ पर सभी दैत्यों के साथ में रहना पड़ता है, लेकिन जितने भी उनके दैत्य शिष्य थे जो विद्या का अध्ययन कर रहे थे वो सभी के सब कच्छ से जलन रखते थे। दोस्तों, धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात, सभी दैत्य आपस में विचार करने लगे, अगर इसने भी जीवनी विद्या सीख ली तो युद्ध में हमें भी पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात के ऊपर सब दैत्यों ने आपस में सलाह मिलाने के बाद में कच्छ को जान से मारने का फैसला किया, और हुआ ये, वो मौका देख करके एक दिन कच्छ को मारने में सफल भी हो गए। इधर कच्छ को मारने के उपरांत सभी राक्षसों ने कौन सा काम किया कि कच्छ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद और एक हड़िया में कच्छ के उस मांस के टुकड़ों को रांध करके अपने गुरुजी को ही खिला दिया। लेकिन जब संध्या का समय हो गया शुक्राचार्य चिंतित होने लगे कि सब शिष्य कुटिया पर आ गए लेकिन अभी तक कच्छ नहीं आया, तो कच्छ कहाँ चला गया। और जैसे ही शुक्राचार्य ने आवाज लगाई तो शुक्राचार्य जी के पेट से भीतर आवाज आई कि गुरुदेव, इन राक्षसों ने, इन दैत्यों ने मुझे मार करके और मेरे मांस को तुम्हें ही खिला दिया है। हुआ क्या दोस्तों, उसी समय शुक्राचार्य कहने लगे हैं कि बेटा कच्छ, मैंने तुम्हें जीवनी विद्या सिखाई है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पेट को फाड़ करके बाहर निकले आओ, और जब मैं मर जाऊंगा तो जो मैंने जीवनी विद्या तुम्हें सिखाई है और तुम उसी जीवनी विद्या से मुझे जीवित कर लेना। कहा जाता है, यहीं पर हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं,
पिया पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पत मिले न जन्म कुवारी जाए। कहने का मतलब है दोस्तों, जो शुक्राचार्य की एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, देवयानी ने जैसे ही कच्छ की सूरत को देखा तो कच्छ की सूरत को निहार करके देवयानी उनके ऊपर मन मुग्ध हो गई। अब देवयानी ने मन ही मन में, जो उनके यहाँ पर गुरु बृहस्पति का लड़का विद्या सीख रहा था उनके पिता के आश्रम में, उसे अपना पति मान लिया था। वहीं पर यह कहावत सिद्ध होती है कि पिया पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पत मिले न जन्म कुवारी जाए। तो दोस्तों, जैसे ही कच्छ ने पेट फाड़कर अपने गुरुजी का बाहर निकल करके आए, उसके बाद में जीवनी विद्या से उन्होंने अपने गुरुजी को भी जीवित कर लिया। अब गुरुदेव कहने लगे हैं कि बेटा, हमने तुम्हें जो जीवनी विद्या सिखाई, अब तो उसका प्रयोग भी हो गया। इसका मतलब है तुम जीवनी विद्या में सफल हो गए हो, अब तुम अपने घर पर लौट करके चले जाओ। उसी समय कच्छ गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में जैसे ही चलने लगे हैं तो उसी समय देवयानी ने कच्छ के हाथ को पकड़ लिया, जवाब दिया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने मन ही मन में तुम्हें अपना पति मान लिया है। उसी समय कच्छ कहने लगे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अरे तुम तो हमारे गुरु की बेटी हो, तुम तो मेरे लिए बहन के समान हो, क्या बहन भाई का कहीं विवाह होता है, मैं तुम्हारे साथ में शादी कैसे कर सकता हूँ भला। जैसे ही कच्छ क्रोधित हुआ, देवयानी कहने लगी कि तुम्हें हमारे साथ में शादी तो करनी पड़ेगी। कच्छ कहने लगा, ऐसा मैं अधर्म कार्य कभी नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे बस की बात नहीं है। उसी समय देवयानी कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ में शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ कहने लगा, भले ही तुम मुझे भस्म कर दो, लेकिन मैं ऐसा अधर्म कार्य कभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, देवयानी ने श्राप दे दिया कच्छ को और ये कह दिया कि जा, जो तूने जीवनी विद्या हमारे पिता से सीखी है, ये जीवनी विद्या तेरे द्वारा कभी काम नहीं करेगी, ये तेरी जीवनी विद्या निष्फल हो जाएगी। दोस्तों, कच्छ कहने लगा कि तूने मेरी इतनी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, चल कोई बात नहीं है देवयानी, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, तूने तो मुझे श्राप दे दिया, लेकिन जाते जाते मैं भी तुझे एक श्राप दे करके जा रहा हूँ। उसी समय कच्छ कहने लगा, देवयानी तू भी किसी ब्राह्मण के साथ में नहीं विवाही जाएगी, जब भी तेरा विवाह होगा तो किसी न किसी क्षत्रिय के साथ में होगा, ये मेरा भी श्राप है। कहने का मतलब है दोस्तों, शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी अपने पिता के शिष्य से विवाह करना चाहती थी, यही कारण है कि एक बहन कौन थी जो अपने भाई से विवाह करना चाहती थी, वो बहन यही देवयानी थी जो अपने पिता के शिष्य यानी अपने भाई के साथ में विवाह करना चाहती थी, और इसी कारण से यह शुक्राचार्य की बेटी यानी एक ब्राह्मण की बेटी होने के बाद भी कच्छ के श्राप से इसका विवाह क्षत्रिय राजा याति के साथ में हुआ था। लेकिन कच्छ जब गया है तो उनके पिता बृहस्पति ने पूछा है कि बेटा, तुम जीवनी विद्या सीख आए? बोले, क्या बताएं पिताजी, जीवनी विद्या तो सीख ली, लेकिन देवयानी ने हमें श्राप दे दिया। उसी समय सारी बात बताई है तो उनके पिता यानी गुरु बृहस्पति कहने लगे कि बेटा, जो तुमने जीवनी विद्या सीखी है, तुम उस जीवनी विद्या को मुझे सिखा दो और मैं उस जीवनी विद्या को सीख करके वो विद्या मेरे द्वारा तो काम करेगी। इस प्रकार से कच्छ ने अपने पिता को वो जीवनी विद्या सिखाई थी। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।